मैं क्या करता हूँ, हाथ से दरे खाता हूँ। ओह माय गॉड, पीस भी कितना बड़ा है। ओह सो मच आइटम है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिचोर, आपका स्वागत करता हूँ और एक नए वीडियो बेंगलुरु से। आज वैसे गांधी जयंती है, तो सबसे पहले मैं आप सबको हैप्पी गांधी जयंती बोलना चाहता हूँ। और हम सबको शायद अपना देश का जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, उसका जो टीचिंग से फॉलो करना चाहिए कि टू बी ट्रूथफुल एंड टू फॉलो नॉन वायलेंस। तो आज बहुत दिनों के बाद बेंगलोर में और एक नोटिस रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, और उस रेस्टोरेंट का नाम है मॉम्स किचन, और उसको तनंग रेस्टोरेंट भी बोलता है। वैसे वो रेस्टोरेंट जो पड़ता है, क्या था नाम, गुद्देला हल्ली, और वो मेरा घर है ना, उधर से 30 किलोमीटर दूर है यार, मतलब बहुत पास है। मजाक कर रहा हूँ, बेंगलोर में 30 किलोमीटर मीन्स एटलीस्ट 1 आवर लगेगा आपको, इतना ट्रैफिक होता है ना। तो ये वीडियो है मी ट्राइंग नॉर्थ फूड इन बेंगलोर, सो दिस इज अनदर फूड ब्लॉग। तो आपको वो रेस्टोरेंट में पहुँच के मिलता हूँ। ओके, तो वैसे मैंने पेन लिया हूँ हेलमेट, हो गया भैया स्टाइल खराब। एनएस अभी टाइम हो रहा है मेरा जो बाइक का जो टाइमिंग के मुताबिक 10:43, और मेरे को जाना है 30 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कितना बजे पहुंचते हैं, आई थिंक 1 आवर से तो कम नहीं लगेगा लगता है। रेस्टोरेंट जिस एरिया में, उधर तो पहुंच गया। कहाँ है भैया? ओके, सो आई हैव रीच्ड। पहुंच तो गया, लेकिन रेस्टोरेंट तो बंद है लग रहा है यार। अन्ना की डे क्या, बाल का कंडीशन देखो पूरा खराब हो गया। भाई जी, ये दुकान आज ही बंद है कि? कौन सा ये होटल जो आज ही बंद है? आज ही बंद है, दूसरा दिन खुलता है पूरा टाइम। आज भी खुलेगा क्या, आइडिया है? फोन करो, देखो फोन नंबर होगा। फोन नंबर, मॉम्स किचन बंद है यार। आज और कल बहुत अनलकी दिन रहा यार, कल तो मेरा ट्रेन मिस हो गया, और आज जो रेस्टोरेंट में खाने के लिए मैं 30 किलोमीटर चला के आया था, बंद है वो, और वो बोल रहा है कि आज ही बंद है। अरे यार क्या है। एनएस अभी इतना दूर आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ एमजी रोड जाता हूँ। एमजी रोड में भी एक और एक नोटिस रेस्टोरेंट है, सोमालियन स्टीक हाउस करके शायद, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो उधर जाके आज अपना लंच कर लेता हूँ। यहाँ से आई थिंक एम जी रोड अराउंड 15-16 किलोमीटर फिर होगा। ओके, तो फिर एम जी रोड में मिलेंगे आपको। पहुँच गया हूँ बेंगलोर का वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस, चर्च स्ट्रीट, एम जी रोड। तो थोड़ा सा आगे में ही वो रेस्टोरेंट है जहाँ जा रहा हूँ। ठीक मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के बगल में ये बिल्डिंग है, और यहाँ पे सोमालियन स्टीकर्स आई थिंक सेकेंड फ्लोर में है, नहीं थर्ड फ्लोर में है ये जो रेस्टोरेंट है। ओह माय गॉड, रेस्टोरेंट इज क्लोज फॉर मेंटेनेंस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्या दिन है यार। ये मेरा सेकंड रेस्टोरेंट है जो क्लोज है, तो सोमालियन स्टीक हाउस भी क्लोज है। ओह माय गॉड, अभी क्या करें यार, कहाँ जाऊँ? एक तो अनलकी टाइम चल रहा है मेरा। ओह माय गॉड, वैसे अभी इंटरनेट में और एक रेस्टोरेंट मिला है नवेंस किचन, तो वो इजीपुरा में पड़ता है, तो आज तो नोटिस खाना खा के ही चलूँगा, अभी उधर जा रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, क्या दिन है। एनीवेज, दिस इज चर्च स्ट्रीट, जहाँ मैं जा रहा हूँ इजीपुरा, एम जी रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 3 किलोमीटर्स। जो उनका पार्किंग का पैसा दे दिया, 20 रुपीज़ लिया 5 मिनट के लिए। पहुँच गया हूँ इजीपुरा, ये तीसरा रेस्टोरेंट है जो आज मैं विजिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली ये खुला हो। तो मेबेंस किचन यहाँ पे है, आई थिंक ये तो खुला है लग रहा है। ये ओपन, चलो
फाइनली ये मेरा तीसरा रेस्टोरेंट है जहाँ मैं जाके देखा और ये खुला है, थैंक गॉड। चलो अभी देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है ना। ऐसे एम्बियंस तो काफ़ी मस्त है, एकदम अच्छा एम्बियंस है। और ये इजीपुरा का जो एग्जैक्टली मेन मार्केट में है उधर में। दिस इज मणिपुर रेस्टोरेंट और लाइक नगर रेस्टोरेंट, हाउ इट इज? वी हैव द मिक्स ऑफ बोथ। ओके, या सो वी हैव द नगर आइटम्स, वी आल्सो हैव द आइटम्स फ्रॉम मणिपुर। ओके, या सो पोर्क आइटम्स आर मोस्टली द नगर आइटम्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट फिश एंड चिकन दे आर यू नो कुक्ड इन मणिपुरी स्टाइल। मेन्यू तो आ गया। और यहाँ पे मिलता है नागा फूड भी मिलते हैं, मणिपुरी फूड भी मिलता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्या ट्राई करूँ। आई थिंक मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे दिया स्मोक पोर्क रिब्स। ये तो मेरे को काफ़ी पसंद है, तो सबसे पहले मैं ये ट्राई करूँगा। ओके, फॉर स्टार्टर्स स्मोक पोर्क रिब्स अनिशी एंड वन मणिपुरी फिश कॉम्बो। श्योर, साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। डू यू वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ बेवरेज? व्हाट डू यू हैव? सो वी बेसिकली हैव द fermented banana and pineapple juice. We don't have grapes right now, but this is like a little bit alcoholic, right? Not because really, I came in bike. Okay. No, this should be fine. This is very light, and like, you know, we fermented this organically, this without, one, right? Yeah, without any yeast or without any chemical. Okay, so yeah. Which one do you recommend? Do you banana or I think, yeah, you can go for pineapple is good. Okay, I'll try. Yeah, for this fermented, sure, pineapple juice. Yeah, okay. ओके, आ गया है फर्मेंटेड पाइनएप्पल जूस, ट्राई करते हैं। अच्छा यार, हम लोग जो लोकल वाइन होता है ना उसका टेस्ट आ रहा है, लेकिन बोला है कि कोई यीस्ट वीस्ट नहीं डाला है, तो बेसिकली अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं है, जूस ही है। मस्त है, कलर भी देखो एकदम। हम लोग का जो लोकल वाइन होता है ना, पता नहीं हम लोग ओ बोलते हैं वो वाइन को, ऐसा लग रहा है। इतना ऑर्डर था, आगे एक आइटम को छोड़ के एनीवे में दिखा देता। ये है स्मोक पोर्क रिब्स अनिशी, हुआ मज़ा लग रहा है। और फिर ये जितना भी आइटम है ये सब फिश कॉम्बो का पार्ट है। एनी से एक एक करके बताता हूँ। ये है कंगसोई, फिर ये है उट्टी, और ये है राइस। ओके, राइस, फिश करी एंड रोम्बा। देखो ये वाला जो प्लेट, देखो प्लेट नहीं कंटेनर देखो, एकदम वुड से बनाया हुआ है। और ये भी कंटेनर जो एकदम वुड से बनाया हुआ है। ये तो खाना शुरू करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं स्मोक पोर्क रिब्स। ये तो मेरा फेवरेट है। ओह माय गॉड, ये देखो स्मोक पोर्क रिब्स। और ये एक्चुअली जो नागा का जो एनिशी बोल के कुछ है उसमें डाला हुआ है, तो और भी अच्छा लग रहा है। आई थिंक मैं क्या करता हूँ, हाथ से डरे खाता हूँ। ओह माय गॉड, पीस भी कितना बड़ा है। ओह वाह, एकदम बढ़िया है यार, तब बड़ा वाला। ओह माय गॉड, इतना टेंडर है ना, मजा आ गया। सीरियसली आज इतना जो घूमा है एकदम बहुत रहा है। अभी कुछ इनका जो फिश करी का जो कॉम्बो है वो वाला ट्राई करेंगे। थोड़ा सा राइस ले लेता हूँ। अभी राइस बाउल भी देखो बहुत अच्छे से है ना, एकदम वुडन वाला। बाकी सब तो मैं खाते रहता हूँ, तो अभी मैं ट्राई करूँगा मणिपुरी स्टाइल फिश करी। मणिपुरी स्टाइल फिश करी भी जनरली काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि मणिपुर में था ना, तो उनका जो खाना काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये मैं थोड़ा सा लेके ट्राई करूँगा। छोटे छोटे पीसेस दिए हुए हैं। तो पहले ये फिश का एक पीस ट्राई करता हूँ। वाओ, एकदम मेरे को जो सैन स्कूल टाइम के जब मैं मणिपुर में, तो उसका याद दिला दिया। टेस्ट तो एकदम बढ़िया है, राइस और करी। वाह वाह, मस्त है यार, बहुत मज़ा है, सीरियसली इट्स ऑसम। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस पुट्टी। पुट्टी जो टिपिकल मणिपुरी का आई थिंक ग्रेवी टाइप होता है, और ये मटर से बनाया जाता है ना। Thank you.
वाह मज़ा आ गया, ये भी बहुत अच्छा है। वाह वाह, मेरे को लगा था कि ये पोर्क रिब बेस्ट होगा, लेकिन इनफैक्ट ये जो फिश करी भी मैच कर रहा है, मतलब इसका टेस्ट का कंपटीशन है ना। दिस इज व्हाट सिंगजू राइट? सिंगजू ना, आई थिंक इट विल बी टू मच। आई डोंट रियली थॉट दैट। नो, आई थिंक it's better if you reduce it a little bit. No, it's okay, have it. It will be wasted. Yeah, it's okay, it's okay. Complimentary sinju diya maine ko. Kafi acha hai ye log. So sinju jo basically kya hota hai na, manipuri dish hai ye basically, aur bahut sara salad type hota hai basically na, manipuri salad you can say. So let's try this sinju. Wow. Must have. I am so sorry, this coming a little late. It's a complimentary. So much item. Okay, thank you. Anything else I can come? No, this only I can finish. Huh? Salt, chili, sir. No, everything's perfect. Yeah. Please enjoy. Complimentary sinju ke baad, complimentary mixed part pe hai. Mixed part na basically intestine, then liver, etc. Stomach pe hai na, jo bhi inner part hota hai, wo hai. To ye try karte hain. So this is how the inner part looks. Let's try this. Wow. Usually kya hota hai na, inner parts to काफ़ी चुई होता है यूजली, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने इतना अच्छे से मतलब इसको पकाया हुआ है ना, आराम से मतलब एकदम सॉफ्ट है, आराम से खा पा रहा है। फंटास्टिक है। ओह माय गॉड, वेरी गुड, रियली गुड। तो आइटम इतना ज़्यादा हो गया ना, मैं तो पेट भर गया और ख़त्म ही नहीं कर पा। देखो क्या क्या बच गया, स्मोक पोक रिब्स इतना सारा बच गया, बेस बॉल वेस्टल बच गया, कांसू बच गया, उट्टी बच गया, और ये है मिक्स पार्टी भी बच गया, सिंजू ऑफिस का ही ख़त्म किया तो ये थोड़ा सा आधा बच गया, और रिमो भी बच गया। यार सीरियसली पेट तो भर गया, आइटम और बहुत बाकी है, तो मोस्ट लाइकली मेरे साथ घर लेके जाऊँगा और उसके बाद घर में खाऊँगा आज रात। तो मैंने लिया था स्मोक पोक रिब्स विद अनीस, वो तो टेस्ट काफ़ी अच्छा ही था। फिर इवन जो मणिपुरी फिश कॉम्बो ये भी काफ़ी अच्छा था, मतलब बेस्ट पार्ट था कि जितना भी जो टेस्ट था ना एकदम ऑथेंटिक था। और फिर जो दो कंप्लीमेंट्री गया था, एक है ये मिक्स पार्ट इंटरेस्टिंग लगा, अभी एक्सपीरियंस जो है, तो ये दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा था एकदम, मतलब ऑथेंटिक जो हम नोटिस था ना उसका टेस्ट आया, मज़ा लगा था। ओके थैंक यू सो मच, यू आई थिंक दस बाई फार वन ऑफ माई लाइक बेस्ट नॉट दिस फूड इन बेंगलोर। सो थैंक यू डेफिनेटली, इफ आई एम हियर आई विल कम। ओके वैसे जो बोलता है ना, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, तो आज भी शायद आई थिंक मेरा साथ ऐसा ही हुआ। मैंने दो नॉर्थ रेस्टोरेंट में किया, दोनों मिस हो गया, लेकिन तीसरा जो मिला मेवेंस किचन, और इधर का खाना का टेस्ट इतना अच्छा लगा ना मेरे को, आई थिंक बाई फार जितना भी मैं खाया नॉर्थ बेंगलोर में वन ऑफ द बेस्ट नॉर्थ ईस्ट फूड मिला मेरे को, मतलब टेस्ट एकदम ऑथेंटिक था, मज़ा आ गया खा के। प्राइस बोलेंगे तो थोड़ा सा अंदा हायर एंड है, लेकिन जितना भी प्राइस दे उसका वर्थ है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, अगर जो पैसा आप देते हो वो वर्थ होना चाहिए, वो कम्प्लीटली वर्थ इट है। एंड ये जो रेस्टोरेंट है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो गूगल मैप का लिंक है, और आप अगर प्योर नॉर्थ ईस्ट फूड खाने में है, बेसिकली नागा फूड मिलता है और मणिपुरी फूड मिलता है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, और बारिश शुरू हो रहा है बाबा, हल्का हल्का बारिश शुरू हो रहा है। एनी वेज अभी मैं घर जाऊंगा, और आई थिंक आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। तो इतना सुबह से मतलब ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर जो चला, आई थिंक कम्प्लीटली वर्थ इट था, और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, और कुछ अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।